हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं पांच डिफरेंट जो है फैंसी चाकू जो आते हैं नाइफ उसका। यहाँ पे जो है जैसे कि ये वाला है, फिर इस टाइप का है और इस टाइप का है। तो इसका जो है हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप छोटे होते हैं या तो फिर कॉलेज में आते हैं, टीनेज लेवल पे भी, या तो बहुत सारी महिलाओं को भी अलग अलग जो है चाकू का बहुत ही शौक रहता है। मैं भी बचपन में जब छोटा था तो चाकू का मुझे भी बहुत शौक था, बट जनरली मुझे कोई लेके नहीं देता था क्योंकि ये एक हार्मफुल चीज़ है और अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ जो है बर्बाद हो सकती है। तो इसकी आपको सावधानी रखनी है और हो सके तो आपके बच्चों को तो ये खरीद के ना ही दें। बट अगर आप जैसे कि अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियोज़ बनाते हैं, या तो फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं, या तो फिर आपका थोड़ा बहुत शौक है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं, बट पूरी सावधानी के साथ इसका जो है यूज़ किया करें। तो यहाँ पे आपको जो है पांच अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अलग अलग शेप एंड साइज एंड कलर के अंदर। पहला वाला ये हमारा जो चाकू है 130 रुपये का है, दूसरा वाला जो है वो भी 130 रुपये का है, ये वाला जो है 140 रुपये का है, इसके अंदर पूरा गन है और इसके अंदर चाकू है। और यहाँ पे ये वाला जो है 150 रुपीज़ का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये भी 150 रुपीज़ का है। तो चलिए एक एक करके जो है सबको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका यूज़ जो है आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आपकी अनुकूलता के हिसाब से है, ऐसा कोई इसका फिक्स वो नहीं है कि भाई इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप सब्जी सुधारने में भी, सब्जी काटने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे, या तो फिर सेफ्टी रीजन से भी रख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये आपको, अगर आपको सही से चलाना नहीं आता है तो इससे तो अच्छा है कि आप पेपर स्प्रे रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे कौ जो है इसका बहुत ही बढ़िया लगा था, तो इसी रीज़न से जो है मैंने ये ले लिया था। बाकी नींबू विम्बू काटने के लिए भी ये काफ़ी जो है यूज़फुल है, और ये आप पेन के तरीके से जो है पॉकेट में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, ओके तो ये हो गया, इसको आप पॉकेट में लगा सकते हैं एज ए पेन, और इस तरीके से खोल के ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम इस तरीके का कागज़ है, इसको काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पंजे जैसा नाखून है, मतलब नाखून जैसा ये शेप है, वो काफ़ी धारदार है, प्लास्टिक को तो ये काट ही सकता है। और अभी जो है ये हैवी ड्यूटी एक कमरा यहाँ पे है, तो इसके अंदर भी ये इस तरीके से निशान लगा सकता है, तो काफ़ी मजबूत है। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है सब्जी काटना या तो ऐसी कोई चीज़ है उसके लिए, मतलब फल वल काटना उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मतलब जो ये मेटल बॉडी है वो तो काफ़ी हैवी है ही, बट धार जो है इसकी, जो अपने नॉर्मल नाइफ आते हैं उसके कंपेयर में थोड़ी सी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा है, कम है इसकी कंपेरेटिवली, बट बहुत ही लुक वाइज ज़बरदस्त है। तो इसको जो हम साइड में कर देते हैं, राइट। तो अब ये जो है इसको हम खोल के देख लेते हैं। इसकी जो है प्राइस 130 रुपीज़, ओके। ये नॉर्मल सा चाकू है, इसमें ये भी मेटल बॉडी है पूरा, और लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। इसमें मतलब कहीं पे पॉकेट में रखने की जो पिन थी उसमें, वो इस चीज़ के अंदर नहीं है, बट आप इसको जो है किचन के अंदर लगा सकते हैं, आपका कोई किचन है आई थिंक, इसको भी आप किचन के अंदर लगा सकते हैं। तो ये एक इसकी एडिशनल चीज़ है। इसको अगर खोलना है तो यहाँ पे इस तरीके का नोच है जहाँ पे आप अपना नाखून लगा के इसको खोल सकते हैं, काफ़ी स्टर्डी है। इससे भी मुझे लगता है कि आप आराम से जो है इस तरीके से को लगा सकते हैं। इसकी मतलब ये जो आगे का जो पार्ट है काफ़ी हैवी है, ये भी यहाँ पे भी प्लास्टिक पे भी अच्छे से काम कर रहा है, आई थिंक इतना तो करेगा ही ना, ये इतना हैवी ड्यूटी चाकू है। ये गन वाला जो है बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बड़ों को तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो ये जो है इस तरीके से है, और यहाँ पे किचन पे अगर किचन के अंदर लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है जो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो फिर थोड़ा बहुत पैसे वैसे लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं, या तो कोई कीमती सामान लेके जा रहे हैं, तो आप अपने बैग जो है उसके अंदर ही इसको आप रख दें, और मतलब इंस्टेंटली आपको कहीं पे यूज़ करना हो तो कहीं से निकालना ना पड़े, और आपके बैग से ही जो है आप इसको निकाल के, इसको मतलब किसी को डराना है आपकी सेफ्टी के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कंपेयर में जो है ये थोड़ा सा थीन है, बट धार जो है इसकी ऑलमोस्ट सेम है। इसको भी जो है मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे भी इसके अंदर भी नोच है जहाँ पे आप नाखून लगा के इसको फिर से खोल सकते हैं। तो इसकी धार का भी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। ये भी जो है काफ़ी मजबूत तो है ही,
वैसे एक्चुअली मुझे फल काट के आपको दिखाना चाहिए, बट फिर उसको इसको जो है मुझे धोना पड़ेगा, और एक्चुअली में ये प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है। तो इसकी जो है प्राइस है 140 रुपीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला नाइफ 150 रुपीज़। इसके अंदर आप पॉकेट में रख सके, उस तरीके का क्लिप है, और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे किचन पे या तो ऐसी कोई जगह पे इसको लगाना है तो लगा सकते हैं। तो ये भी जो है इस तरीके का ही नाइफ है, बट इसका बड़ा वर्जन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो है गन्ने भी छील सकते हैं शायद, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी धारदार भी लग रहा है। मेटल बॉडी है पूरा, एकदम हैवी है। इसका भी हम थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग, ये जो है किसी एनिमल का नाखून हो इस तरीके का शेप का यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे भी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। वाह, बहुत ही हैवी है, इसको भी जो है आप चाहे तो ले सकते हैं। अब लास्ट हमारा चाकू है 150 रुपीज़ ओनली। इसको हम साइड में लगा देते हैं, साइड में रख देते हैं, और इसके अंदर भी ये क्लिप है, बट इसके अंदर किचन के तरीके से रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आपको नोच मिल जाएगा, बट इसको यहाँ से भी पकड़ के आराम से खोल सकते हैं। ये कुछ सिमिलर है, बट इसकी लेंथ ज़्यादा है, पूरा मेटल बॉडी है, और वज़न में भी काफ़ी हैवी है। ग्रिप आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, काफ़ी मजबूत है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, काफ़ी धारदार है ये। तो ये जो है लोहे के हैं, अगर इसकी धार जो है ख़राब हो जाती है बार बार यूज़ करने से, तो आप जो है इसको धार इसकी बनवा भी सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा। तो ये सभी जो है आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, इसमें बहुत जो है बड़ी रेंज आती है चाकू में। अभी तो मैंने 5 ही दिखाया है, बट मुझे लगता है कि 500-600 से ऊपर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ चाकू आते हैं। मैं सबसे पहले जो मैंने चाकू देखे थे, दो जगह इसको खास देखा जाता है। एक तो हाईवे पे जो ढाबे होते हैं, टी स्टॉल्स होते हैं, वो लोग इस तरीके के चाकू सेल करते हैं, चाकू तलवार और ऐसी सब चीज़ें जो है सेल करते हैं। साथ ही साथ जो है मंदिर वाला जो मतलब बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, उसके आसपास के एरिया में चाकू की दुकानें जो है बहुत आपको देखने को मिल जाती है, और लोग खरीदते भी हैं। मे बी इसको जो है लोग पूजा में भी शायद रखते हो, एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है क्या इसका रीज़न है। बट इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन केस अगर आप इसको नहीं परचेस कर पा रहे हैं ऑनलाइन या तो लोकल स्टोर से, अगर आपको यही मॉडल चाहिए जिसको मैंने आपको दिखाया है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इसको जो है आपके वहाँ पे हम डिलीवर करवा देंगे। आपको जो है इसकी MRP प्लस डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, एडवांस में पेटीएम के थ्रू पे करने पड़ेंगे, और आपको जो है कुछ ही समय के अंदर आपको ये डिलीवरी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा। आपकी कोई क्वेरीज है, आपका कोई रिकमेंडेशन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे, एंड स्टे सेफ, स्टे ऑसम।